हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ऑटोमेटिक डोर लॉक, जिसके लिए हमें चाहिए एक गन। ये कार के सेंटर लॉकिंग में यूज होती है, अलग से कार में सेंटर लॉक लगाते हैं तो उसमें ये यूज होती है। एक चाहिए 6 पिन स्विच, जो कि हमारे बच्चों की कार में लगा होता है रिवर्स फॉरवर्ड के लिए। और हमें एक चाहिए 12 वोल्ट 2 या 1.5 एम्पेयर अडाप्टर, इसमें मैंने 2 वायर लगा रखे हैं। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लेंगे 2 वायर के टुकड़े, स्विच की एक नंबर पे हम वायर लगाएंगे और इसका दूसरा हिस्सा लगाएंगे हम स्विच की 6 नंबर पिन पे। ये वायर क्रॉस में लगी होनी चाहिए। दूसरा टुकड़ा लेंगे हम 2 नंबर पिन से। पांच नंबर पिन पर ये दोनों वायर क्रॉस में लगे हैं। इसके बाद में लेंगे हम गन। गन के दोनों तार हम लगा देंगे स्विच की सेंटर वाली 3 नंबर और 4 नंबर पिन में। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा जुगाड़ है, मैंने खुद अपने घर पे लगा रखा है। मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, मेरे को दरवाज़ा खोलने के लिए बार बार सीढ़ियों से नीचे ऊपर नहीं आना जाना पड़ता। एक मैंने ऊपर कैमरा लगा रखा है, मैं कैमरे में देख के ही नीचे अपना दरवाज़ा ऊपर से ही खोल देता हूँ। उसके बाद लेंगे सर हम अडाप्टर की 2 तारें, यानी कि 2 वायरें। उन दोनों वायरों को हम लगाएंगे 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन पे। अभी मैं आपको सर ये चला के दिखा रहा हूँ। अडाप्टर को लगाएंगे एसी 220 वोल्ट में। देखो दोस्तों, हमारा प्रोजेक्ट तैयार है। हम जैसे ही इसको दबाएंगे ये गन अंदर जाएगी, जैसे ऊपर को दबाएंगे गन बाहर जाएगी। देखो सर, ये हमारा वर्क कर रहा है। इसके बाद मैं आपको, ये मेरे घर पे लगा हुआ है, उसकी वीडियो भी मैं आपको अंत में दिखाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।